एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना अभी 5 साल की थी और उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। आज गांव में मेला लगा था, इसलिए नैना का दिल मेला देखने का कर रहा था। पूरा परिवार एक साथ मेला देखने जाता है, मेले में बहुत एंजॉय करते हैं। तभी नैना की माँ जानकी वह कुछ सामान खरीदने के लिए अपने पति और नैना से दूर जाती है, तो वह देखती है कि एक डस्टबिन के पास नैना के बराबर एक लड़की जोर जोर से रो रही है। अरे बिटिया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम गुम हो गई हो? चलो मैं तुम्हारे माता पिता से मिलवाती हूँ, तुम पहचान कर लेना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं आंटी जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। मैं तो बस अपनी चाची को जानती हूँ, वह मुझसे इतनी छोटी से बहुत ज्यादा काम कराती थी। बर्तन धोते समय मुझसे उनका ग्लास टूट गया, जिसकी सजा उन्होंने मुझे यह दी। मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, 3 दिन हो गए अभी तक लेने नहीं आई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख लगी है। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? पता नहीं मेरा क्या नाम है, लेकिन चाची तो मुझे काली कलूटी कहकर पुकारती है, क्योंकि मेरा रंग काला है। इस वजह से आंटी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। उस लड़की की बातें सुनकर जानकी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई इतनी छोटी बच्ची के साथ भी क्या इतना अत्याचार कर सकता है? किसी का दिल इतना भी पत्थर का हो सकता है कि वह इतनी छोटी बच्ची को इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर जा सकता है? जानकी का दिल बहुत नरम था, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए वह उस लड़की को अपने साथ रखने का फैसला करती है और उसका नाम काव्या रखती है और अपनी बेटी नैना से मिलाती है। काव्या को देखते ही नैना गुस्से से लाल पीली हो जाती है। मम्मी मम्मी, आप किस काली लड़की को उठाकर लेकर आई हैं? मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी, इसे देखकर मुझे डर लग रहा है। नैना मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं कहते, बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देंगे तो कितना अच्छा रहेगा, और वैसे भी बेटा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत होती है। नैना काव्या से बहुत चिढ़ती थी, वह बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती, उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, उसके ऊपर हंसा करती थी। इसी तरह नैना और काव्या दोनों बड़ी हो जाती हैं। एक दिन जानकी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, नैना और काव्या मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है ना? काव्या बेटा मैं तुम्हारे लिए किस कलर की ड्रेस लेकर आऊँ, और नैना बेटा तुम्हारे लिए किस कलर की, चलो जल्दी बताओ। मम्मी आप किस काली कलूटी से पूछ रही हैं? यह जो भी पहन लेती है उसमें लगती तो बस सूरत की बस सूरत ही है, सुंदर तो नहीं हो जाती। लेकिन मम्मी जी मैं तो आपसे कहती हूँ इसके लिए ब्लैक ड्रेस खरीद कर लेकर आ जाना, जिसे पहनकर ये काली चुड़ैल लगेगी, चुड़ैल। शादी में सब इससे डर कर भाग जाएंगे। नैना हमेशा तुम काव्या का मजाक उड़ाती रहती हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहो, और वैसे भी रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है, अगर उसने काव्या को ऐसा बनाया और तुम्हें ऐसा, तो इसमें काव्या का क्या दोष? और वैसे भी इंसान की असली सुंदरता उसके स्वभाव से होती है, और काव्या बेटिया का दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए काव्या बस सूरत नहीं है, समझ में आ रही है? और आज के बाद मैं इस तरह से काव्या का मजाक उड़ाते हुए ना देख लूं, समझ में आ रही है? ओफो मम्मी, आप तो मुझे इस काली कलूटी बहन जी की वजह से ऐसे डांट रही हैं जैसे कि मेरी सगी बहन हो। पता नहीं आप इसे कचरे के डब्बे से क्यों उठाकर लेकर आ गई, इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होती है आपको अंदाजा भी है? मैं कहाँ अप्सरा से सुंदर और ये कहाँ। खैर छोड़ो, आप मेरे लिए एक सुंदर व्हाइट गाउन लेकर आ जाना, जिसे पहनकर मैं बिल्कुल परियों की तरह सुंदर लगूंगी। जानकी अपनी दोनों बेटियों के लिए शॉपिंग करने चली जाती है, और जब जानकी शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी तो वह एक पत्थर से टकरा जाती है, जिस वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है, और वह किसी तरह अपने घर वापस आ जाती है। अपनी माँ को जख्मी देखकर काव्या कहती है, माँ यह आपको क्या हो गया? मैं अभी आपके लिए हल्दी का दूध लेकर आती हूँ, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई। अरे बिटिया
ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब तुम दोनों को ही शादी में जाना होगा। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको चोट लगी है? नैना, तुम तैयार हो जाओ और तुम शादी में चली जाओ, मैं यहीं रहूंगी मम्मी के पास। आज तूने पहली बार कोई अच्छी बात की है, वरना तो मुझे डर लग रहा था कि तू मेरे साथ जाएगी तो शादी में मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। अब मैं शादी में एंजॉय कर सकती हूँ, मुझे तेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं होगी। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं काव्या, तुम्हारे पिता हैं यहाँ मेरे पास, सुजाते ने कहा है कि तुम्हें भी आना है, इसलिए तुम दोनों जाओगी, ठीक है? जानकी की यह बातें सुनकर नैना गुस्से में आ जाती है और वह तैयार होने लगती है। काव्या अपनी माँ को मना नहीं कर पाती और वह भी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। काव्या और नैना दोनों ही शादी में चली जाती हैं। शादी में जाते ही काव्या का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे देखो देखो, एक इतनी ज्यादा सुंदर और दूसरी इतनी ज्यादा बदसूरत। कहते हैं कि रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सामने तो दिन और रात दोनों एक ही साथ हैं। अरे यार, इस शादी में इस बदसूरत लड़की को किसने इनवाइट किया? पूरी शादी में ग्रहण ही लगा दिया। इतनी ज्यादा बदसूरत लड़की पूरी शादी में कोई नहीं है। देख रही है काली कलूटी, तेरी वजह से सब मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर कैसे हंस रहे हैं। अगर तू मेरे साथ नहीं आती तो मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही होती, इस तरह से मुझ छुपाकर इधर उधर नहीं घूम रही होती। पता नहीं मम्मी को तेरे अंदर क्या नजर आता है, जब देखो तेरी तारीफ करती रहती है। मम्मी के सिवा और कोई तुझसे प्यार नहीं करता। जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। काली कलूटी मनहूस। नैना, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, यहाँ सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें परियों की तरह सुंदर अप्सरा जैसी बता रहे हैं और मुझे अमावस की रात काली कलूटी चुड़ैलों की टोली में जाना चाहिए। पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम्हें मेरे यहाँ होने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बाहर जा रही हूँ और मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम यहाँ पर शादी एंजॉय करो, यहाँ सुंदर लोगों के बीच मुझ जैसी बदसूरत लड़की का इस शादी में क्या काम। ऐसा कहकर काव्या रोते हुए बाहर आ जाती है और एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ कहती है कि दिल सुंदर होना चाहिए, बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मैंने जो देखा उससे तो यही पता चलता है कि किसी को भी दिल की सुंदरता पसंद नहीं आती, सबको बाहरी ही सुंदरता पसंद आती है। मेरे रंग की वजह से सब मुझसे दूर दूर रहते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि काला होना, बदसूरत होना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इस तरह से काव्या बहुत ज्यादा रो रही थी और ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के रोने की आवाज आती है। काव्या उस पेड़ के पास जाती है तो वह बहुत ज्यादा प्यासा था। काव्या उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी पिलाती है और उसके आसपास की सफाई भी करती है। तभी वह पेड़ काव्या से कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी मदद की, एक प्यासे पेड़ को पानी पिलाया, वरना मैं कब से सबसे विनती कर रहा था, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, लेकिन किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया और तुमने तुरंत मुझे पानी पिलाया, मेरे आसपास की सफाई की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पेड़ की जड़ के नीचे एक जादुई लिपस्टिक की चक्की है, उसे निकालो। काव्या पेड़ की बात मानकर जैसे ही उसकी जड़ की खुदाई करती है तो उसे जादुई लिपस्टिक की चक्की मिल जाती है जो बहुत ही ज्यादा चमचमा रही थी, जिसे देखकर काव्या चौंक जाती है। तभी वह पेड़ काव्या से कहता है, काव्या, यह जादुई लिपस्टिक की चक्की है और यह जादुई लिपस्टिक की चक्की सिर्फ अच्छे लोगों के ही काम आती है, इसलिए तुम तीन बार इसे घुमाओ तो तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक मिलेगी, जिसे लगाकर तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और उसके बाद कोई भी तुम्हारे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा। सच में पेड़, ऐसा हो सकता है, यह जादुई लिपस्टिक की चक्की मुझे जादुई लिपस्टिक देगी जिसकी मदद से मैं सुंदर हो जाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है, फिर सब मुझसे बात करेंगे, मुझसे कोई दूर नहीं जाएगा, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और माँ को भी मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं होगी और नैना भी मुझे अपनी बहन मान लेगी। वह सिर्फ मेरे रंग रूप की वजह से मुझसे नफरत करती है।
ऐसा कहकर काव्या जादुई लिपस्टिक की चक्की को 3 बार घुमाती है तो उसे जादुई लिपस्टिक मिल जाती है, जिसे लगाकर वह बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर काव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह पेड़ और जादुई लिपस्टिक की चक्की को धन्यवाद कहकर घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ और नैना को जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है। जानकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन नैना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलती है। जब ये काली कलूटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो पता नहीं कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मैं अपनी आंखों के सामने इस काली कलूटी को इतनी ज्यादा सुंदर नहीं देख सकती, यह मेरे बराबर में खड़ी नहीं हो सकती। कचरे के डब्बे से आई हुई लड़की, मुझे यह जादू लिपस्टिक लगानी होगी। ऐसा सोचकर रात हो जाने के बाद नैना काव्या के रूम में जाती है और जादुई लिपस्टिक चुराकर अपने रूम में आ जाती है और जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोती है। नैना के रोने की आवाज सुनकर काव्या और जानकी उसके पास आती हैं। तभी काव्या नैना से कहती है, नैना मेरी प्यारी बहन, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। यह जादुई लिपस्टिक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जिनका मन साफ होता है, जिनके मन में खोट होता है और जो लालच के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं उनके साथ यह ऐसे ही करती है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। यह जादुई लिपस्टिक चाहे तो तुम मेरा रंग रूप वापस ले लो, लेकिन मेरी बहन को पहले की तरह सुंदर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से नैना को उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो मैंने किया है। काव्या की यह बातें सुनकर नैना के आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं और वह काव्या से माफी मांगती है। काव्या तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मम्मी ठीक ही कहती है, इंसान की असली सुंदरता उसके दिल से होती है, रंग रूप कुछ नहीं होता। काव्या मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। नैना काव्या से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले जैसी सुंदर हो जाती है। यह देखकर काव्या बहुत खुश होती है और जानकी भी। इस तरह काव्या जादुई लिपस्टिक की चक्की की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में सावित्री की 2 बेटियां थीं, आराध्या और सुमन। कुछ समय पहले ही सावित्री के पति की मृत्यु हो जाने के कारण सावित्री के ऊपर अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है। सावित्री अपनी दोनों बेटियों को एक साधारण जीवन देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करती थी। सावित्री का गाँव में एक छोटा सा बुटीक था, जिसे चलाकर वह अपनी दोनों बेटियों को 2 समय का खाना खिलाती थी, लेकिन उनकी और जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे सावित्री के बुटीक का नाम होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सावित्री के बुटीक पर एक बहुत धनवान औरत आती है। मैं आपके पास बहुत दूर से आई हूँ, मुझे एक नहीं दो नहीं पूरी 20 गोल्डन ड्रेस और 20 वाइट ड्रेस चाहिए। मेरी बेटी का जन्मदिन है और हम सभी लड़कियां और औरत गोल्डन और व्हाइट ड्रेस पहनकर अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहते हैं। अब तुम बताओ, एक हफ्ते के अंदर क्या तुम दे सकती हो? वैसे मैं यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन मेरी बेटी की फ्रेंड ने तुम्हारे बुटीक से ड्रेस बनाई थी, मेरी बेटी को वह बहुत पसंद आई, बस इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। देखिए बहन जी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ मिलकर एक हफ्ते के अंदर अंदर 40 ड्रेस तैयार कर दूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे से बुटीक पर भरोसा दिखाने के लिए। ठीक है, तो यह लीजिए एडवांस। याद रहे, मेरी बेटी के जन्मदिन पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ड्रेस सुंदर और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? वह धनवान औरत सावित्री को एडवांस पैसे देकर चली जाती है। सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह बहुत ज्यादा खुश थी। सावित्री के सामने ही एक और बुटीक था, वह हमेशा सावित्री से जलती थी और आज इतनी ज्यादा अमीर औरत को सावित्री के बुटीक में देखकर आग बबूला हो जाती है। और उसके जाने के बाद वह सावित्री के पास आती है और उससे कहती है, सावित्री तुझे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही तूने मेरे सामने अपना बुटीक खोलकर बहुत बड़ी गलती की। दिन पर दिन तेरे पास तो ग्राहक आते ही जा रहे हैं और मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। देख, अभी भी समय है, यह बुटीक खत्म कर दे और अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से कहीं ले जा, वरना अच्छा नहीं होगा।
कामिनी बहन, आप रोजाना मुझे धमकी देती हैं, लेकिन अब मैं आपकी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तू यह ऑर्डर कैसे पूरा कर पाती है। मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी, समझ में आ रही है, 2 टके की गरीब। ऐसा कहकर कामिनी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री खुशी खुशी घर जाती है तो उसकी छोटी बेटी सुमन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, जब से पापा इस दुनिया से गए हैं तब से आपने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करें, लेकिन आप सेलिब्रेट करते ही नहीं हैं। देखिए हमारे कपड़े कैसे फटे पुराने हो गए, 2 ही जोड़ी कपड़े पहन पहन कर मेरा तो मन भर गया। आपको पता है मेरी सभी दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाती हैं। सुमन मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम्हें इस तरह से रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जन्मदिन 15 दिन बाद है ना, तो मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ड्रेस का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों, आज तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं अकेली इतनी सारी ड्रेस तैयार नहीं कर सकती। मम्मी 40 ड्रेस, इतनी सारी, इसका मतलब आपको तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। मम्मी इस जन्मदिन पर मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी और बहुत महंगी ड्रेस भी पहनूंगी, बहुत सारा मेकअप, सैंडल, यह सब लेकर आऊंगी, बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं अपनी दोनों प्यारी बेटियों को बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगी। लेकिन बेटा अब हमें काम भी तो करना पड़ेगा, चलो चलो जल्दी से काम करते हैं। अगर समय रहते ड्रेस तैयार नहीं हुई तो मेरी प्यारी बच्ची बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। ऐसा कहकर तीनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ कामिनी गुस्से से लाल पीली हो रही थी, तभी उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके किसी ने जेवर चुरा लिए हो। आखिर बात क्या है, अपनी बेटी को तो बता सकती हैं। यह सावित्री की बच्ची हर दिन आगे बढ़ती जा रही है। आज इसे 40 ड्रेस का ऑर्डर मिला है, कल 100, अगले दिन 500, ऐसे तो यह बहुत अमीर हो जाएगी और इसकी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगी और मैं वहीं पीछे के पीछे रह जाऊंगी। यह गरीब मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर यह अमीर हो गए तो मैं इन दोनों गरीब बहनों का मजाक कैसे उड़ाऊंगी, उनके ऊपर कैसे हंसूंगी, आपको कुछ करना चाहिए। काव्या बेटा तू अभी अपनी माँ को जानती नहीं है, मैं क्या चीज हूँ, मैं उस गरीब 2 टके की औरत को अपने से आगे बढ़ने नहीं दूंगी, कभी नहीं। देख उसे मेहनत करने दे, उसके बाद उसकी सारी मेहनत पर ऐसा पानी फेरूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सावित्री और उसकी दोनों बेटियाँ बहुत खुशी खुशी ड्रेस तैयार कर रही थीं और 6 दिन के अंदर अंदर कड़ी मेहनत के बाद 20 गोल्डन और 20 व्हाइट ड्रेस बनकर तैयार हो जाती हैं। वह ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। तभी सावित्री अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटा तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया, घर जाकर खाना खाओ, मैं यह ड्रेस पहुँचा कर आती हूँ। माँ जल्दी आना, हमें आपका इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर दोनों बहन बुटीक से घर वापस आ जाती हैं कि तभी कामिनी पीछे से बुटीक के अंदर आग लगा देती है। बुटीक के अंदर सारी ड्रेस और सावित्री जलकर मर जाती है। जब इस बात की खबर दोनों बहनों को लगती है तो दोनों बहनें दौड़ी दौड़ी आती हैं और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। नहीं नहीं बा, आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, काश हम आपको बुटीक में अकेला छोड़कर नहीं जाते, अपने साथ ले जाते, या फिर हम दोनों बहन भी आपके साथ इसी बुटीक में चलकर राख हो जाते। अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे, कैसे, हमारा तो आपके सिवा कोई सहारा ही नहीं है। हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई, हमारे तो खुशियों के दिन आने वाले थे, आखिर किसकी नजर लग गई माँ। ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं कि तभी वहाँ पर सुजाता आ जाती है और वह दोनों बहनों से कहती है, देखो लड़कियों, तुम्हारी माँ ने मुझसे पूरे एडवांस के 1 लाख रुपए लिए थे, तुम्हारी माँ ने 40 ड्रेस बनाकर तो मुझे दी नहीं और खुद स्वर्गवास हो गई। अब मुझे तुम दोनों 1 लाख रुपए वापस करोगी, वरना मैं तुम दोनों को जेल करा दूंगी, मेरी बात समझ रही हो ना।
आंटी जी, हम लोग गरीब हैं। मैं छोटा सा बुटीक चलाकर हमारा पालन पोषण कर रही थी, लेकिन अब तो वह भी हमें छोड़कर जा चुकी है और हमारा बुटीक भी चल चुका है। हमारे पास 1,00,000 रुपये कहाँ से आए? वह तो आपके 40 ड्रेस बनाने में खर्च हो गए। हमारे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। देखो लड़कियों, मुझे कुछ नहीं पता, अपना घर बेचो या खुद को बेचो, कुछ भी करो, मगर मेरे 1,00,000 रुपये मुझे वापस करो। ऐसा कहकर सुजाता दोनों बहनों को धमकी देकर चली जाती है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और वह जंगल के रास्ते अपने घर आ रही थीं। तभी सुमन की नज़र एक चमकती हुई चक्की पर जाती है। दीदी, यह चक्की इस घने जंगल में किसकी हो सकती है और यह कितनी ज्यादा चमक रही है? लगता है तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तभी मैं तुम्हें नजर आई हूँ। मैं कोई मामूली चक्की नहीं हूँ, मैं जादुई सोने और चांदी के ड्रेस की चक्की हूँ। अब मैं तुम्हें मिल गई हूँ तो मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे एक बार घुमाओगी तो तुम्हें सोने की ड्रेस मिलेगी, 2 बार घुमाओगी तो चांदी की ड्रेस मिलेगी। जादुई सोने और चांदी की ड्रेस बेच बेच कर तुम अपना पालन पोषण आसानी से कर सकती हो। जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की चक्की की बातें सुनकर दोनों बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती हैं। और जैसा कि जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की चक्की आराध्या और सुमन से करने के लिए कहती है, दोनों बहनें वैसा ही करती हैं और वह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस बेच बेच कर बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और सुजाता के भी सभी पैसे लौटा देती हैं। दोनों बहनों की जिंदगी में जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की चक्की की मदद से कोई कमी नहीं होती और वह रोजाना चक्की से सोने और चांदी की ड्रेस लेती और बेचती। इसी बीच सुमन का जन्मदिन भी आ जाता है। आराध्या सुमन से कहती है, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी छोटी बहन, अगर आज मैं जिंदा होती तो वह कितना खुश होती। हम तीनों कितना ज्यादा खुश थे, लेकिन पता नहीं हमारी उन खुशियों को किसकी नजर लग गई। माँ के बिना तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करना कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की चक्की हमें न मिलती तो न जाने आज हम कहाँ होते। यह माँ का ही आशीर्वाद है। सुमन, मैंने माँ के नाम का बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोला है। इस तरह से आराध्या अपनी माँ के बिना अपनी छोटी बहन का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की बहुत मदद करती है। लेकिन कामिनी और उसकी बेटी काव्या दोनों जल भुनकर राख हो रही थीं। बेटा, हमने इनकी माँ को भी मार दिया, बुटीक भी चला दिया, लेकिन फिर भी दोनों गरीब बहनें इतना ज्यादा अमीर। देखो तो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इनकी माँ के मरने के बाद इन्हें कौन सा खजाना मिल गया जो सोने और चांदी जैसी ड्रेस अपने शोरूम पर बेच रही हैं। पहले तो रोटी रोटी को तरसती थी और अब सोने और चांदी में खेल रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा। आपने देखा नहीं, पूरे गांव में सुमन का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया गया और अपनी माँ के नाम का इतना बड़ा अनाथ आश्रम भी खोला है। जरूर इनके पास अलादीन का चिराग है, आपको पता करना चाहिए। इस तरह से दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती हैं। हमेशा की तरह आज भी आराध्या और सुमन जादुई चक्की से सोने और चांदी की ड्रेस लेकर अपने शोरूम पर जाती हैं। तभी दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है और वह रात हो जाने के बाद जादुई चक्की चुराकर अपने घर आ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो बेटा, यह है जादुई चक्की जिससे सोने और चांदी की ड्रेस मिलती है। अब हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। और वह दोनों बहन गरीब, क्योंकि जादुई चक्की तो हमारे पास है। ऐसा कहकर जैसे ही दोनों माँ बेटी जादुई चक्की से सोने और चांदी की ड्रेस मांगती हैं तो उन्हें उससे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि उस जादुई चक्की से बहुत खतरनाक आग निकलकर आती है जिसमें दोनों माँ बेटी जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह कामिनी और काव्या को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और आराध्या सुमन की जिंदगी में जादुई चक्की दोबारा से पहुंच जाती है, जिसकी मदद से वह हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और दूसरों की भी जिंदगी में खुशियां लेकर आती हैं।